प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छत्तीसगढ़ में भी छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी योजना के जरिए बिलासपुर जिले में कई युवा स्वरोजगार की ओर अग्रसर हुए हैं। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर युवा बिलासपुर जिले में पिछले वित्त वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस योजना के तहत करीब 250 हितग्राहियों को 18 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया है। मुद्रा योजना के दो उद्देश्य हैं, इनमें से पहला स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना है। जिला उद्योग और व्यापार कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक KL उइके ने बताया कि योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कि छोटे व्यापारी छोटे लोगों को, जिसमें तीन प्रकार के लोन होता है, एक तो होता है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। कि शिशु में जो है 50,000 तक लोन दिया जाता है। मान लो कोई छोटे व्यापारी है, छोटे लोग हैं जिनको बिजनेस शुरू करना है और वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या वो जिनका व्यवसाय शुरू है और वो लोन लेना चाहते हैं, तो उनको जो है वो बैंक के माध्यम से ऋण जो है दिया जाता है। उसी प्रकार किशोर योजना है, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक ऋण दिया जाता है। इसमें ऐसे जो लोग हैं जिनको ऋण की ज़रूरत है और जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या फिर नया शुरू करना चाहते हैं, तो इसी योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसी प्रकार इसी योजना में एक तरुण होता है, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण बैंक देता है। और इस लोन के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप प्रकाश ने बताया कि मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना बेहद आसान है और बिना जमानत के कर्ज भी मिल जाता है। योजना है जो मुख्यतः व्यवसाय करने के लिए, जो भी व्यक्ति व्यवसाय करने का इच्छुक है उसको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा सकता है। इसमें कुछ कोई भी सिक्योरिटी बैंक द्वारा नहीं ली जाती है। जो भी बिजनेस करेगा, बिजनेस से वो जो भी चीज़ खरीद, वो बैंक के लोन से जो भी चीज़ वो खरीदेगा वो एज अ कोलेट्रल बैंक के पास रखी जाती है। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें बैंक से लोन लेने के लिए अब बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती और योजना की मदद से उन्हें आसानी से कर्ज मिल रहा है। सरकार ने जो मुद्रा योजना लाई है जनता के लिए, वो काफ़ी अच्छी योजना है। अगर किसी व्यक्ति को अपना काम स्टार्ट करना हो तो उसको इन्वेस्टमेंट लगता है, वो व्यापारियों के पास अगर जाता है तो काफ़ी ब्याज उसको देना पड़ता है उसमें। बट इसमें जो केंद्र सरकार दे रही है योजना मुद्रा के तहत में, इसमें 0% इंटरेस्ट पे दे रही है, जिससे वो पहला इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी व्यापार कर सकता है और स्टार्टअप एक प्रकार से मिल जाएगा। जो प्रधानमंत्री की योजना है कि स्टार्टअप बढ़े देश में, तो उसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा और नया भारत इससे हम बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मोला मुद्रा लोन के लाभ मिली से, जेखर से मैं आलू प्याज और लहसुन के बिजनेस चालू करे हूँ। और ये बिजनेस चालू करे में मोला बहुत फायदा हुई से, मैं अपन घर के रोजी रोटी यही बिजनेस के चलाता हूँ। और मैं आम जनता से भी अपील करूँ कि ये मुद्रा लोन के फ़ायदा उठावा है, बिना दस्तावेज के मिला थे। केंद्र सरकार की योजना बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें पहले हमें ब्याज के लिए बढ़ी हुई ब्याज दरों पे पैसा उठाना पड़ता था कि दूसरे लोगों से, साहूकारों से, लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमें बहुत ही मदद मिली है। 50,000 रुपये मिले हैं और पीछे ये मेरी दुकान चल रही है और उस मिले हुए धन से हमें काफ़ी फायदा हुआ है और हम अच्छी तरह से अपना व्यवसाय चला पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। इसमें नया व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है।